बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन आवर चैनल मॉडल्स ऑफ क्लासिकास। तो आज हम लोग रिस्टोर करने जा रहे हैं इस मॉडल स्टीम इंजन को। ये है मर्डोक, ये नंबर 4, इसका ओरिजिनल नहीं आता। मर्डोक बेसिकली थॉमस एंड फ्रेंड के नाम से एक इंजन सीरीज लगती थी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किस चैनल पर लगती थी, लेकिन जब हम लोग छोटे होते थे, स्कूल वगैरह जाते थे, तब लगते थे, तो उसमें ये करैक्टर आता था। तो ये तकरीबन बनाए हुए मुझे हो गए हैं तकरीबन 10 साल, आप कह सकते हैं 10-11 साल। तो अब ये देख लें, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टोरेज में पड़े रहने की वजह से इसके हालो बेहाल हो गया है, व्हील्स वगैरह भी इसके टूट चुके हैं। टाटा गुड बाय गया। और अब जो है हम लोग इसे रिस्टोर करेंगे। मुझे पता है रिस्टोरेशन की एक लहदा से हम लोगों ने सीरीज़ प्लेलिस्ट शुरू की थी, लेकिन यार अब आप लोगों को ना ये जिस तरह रिस्टोरेशन के यानी जिस तरह रिस्टोर होती जा रही है, वैसे ही आप लोगों को दिखाया जाएगा कि किस तरह हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे और किस तरह इसे कस्टमाइज़ करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से, मेरी नहीं बल्कि कैरी भाई जरा बताइएगा इन्हें, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। शुक्रिया कैरी भाई। खैर तो दोस्तों एज यूजुअल अब हम लोग इसे स्ट्रिप डाउन करेंगे। ये जो है इसका नेम टैग है मर्डोक, ये मुझे लगता है शायद नया बनाना पड़े अगर ये यहाँ से आराम से ना उतरा तो। हाँ ये नया बनाना पड़ेगा। खैर एनीवेज इस साइड वाला ये तो चलो आराम से उतर गया, ये रख लेते हैं और ये बॉयलर भी उतार लेते हैं इसका। पहले इसे यहाँ से बाहर निकालूँ। चलो ये अब इसकी फनल भी अलहदा हो गई है और इसका बॉयलर भी अलहदा हो गया। अब जो इसका न्यू एंड इम्प्रूव वर्जन होगा जो, उसमें हम लोग इस चेहरे को भी मिटा देंगे प्लस इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और साथ साथ यहाँ पे भी इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे और इसे थोड़ा सा, आप लोग क्या कहते हैं, इसे बढ़ा देना चाहिए या कि इसे इतना ही रहने देना चाहिए, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे बॉडी को ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, बस थोड़ा सा ना यहाँ से इसे काट के थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे ताकि मर्डोक वाली फीलिंग तो आए यार, अभी तो हमें चुन्नी पलवान ही लग रहा है, बहुत तेज हो रहा है। खैर ये इसका टेंडर है, टेंडर को मैं इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि टेंडर में ऐसा अच्छी कोई चेंज करने की चीज़ नहीं, लेकिन चलो फिर भी ये इसका उतार देते हैं। लैंप का हमने बनाया हुआ है यहाँ पे और इसे भी व्हील्स लगाएंगे। इंजन जो है फुल स्ट्रिप डाउन हो चुका हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का इसका हाल है करंट सिचुएशन। खैर ये तो इंजन अपनी तरफ हमने इसे लादा कर दिया। अब दूसरी जो गाड़ी हम लोग रिस्टोर करेंगे वो ये है। अरे कहना क्या चाहते हो, सॉरी ये गाड़ी हम लोग रिस्टोर करेंगे और वो मॉडल स्टीम इंजन। तो ये सुजुकी महरान है या आप इसे मारुति 800 भी कह सकते हैं, इसे भी यार रिस्टोर करना पड़ेगा क्योंकि यार ये स्टोरेज में पड़ी रही जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत हो गई है, खस्ता हाल हो गई है बेचारी। खैर इसे भी रिस्टोर करते हैं, साथ इसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करते हैं। इसका डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो मैंने डिज़ाइन सोचा हुआ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, इस गाड़ी को देने का। खैर कलर जो है पर्पल ही इसका रहेगा, बस यहाँ पर हम लोग एक सिल्वर इंसर्ट दे देंगे। और खैर अभी मैं ज़्यादा आप लोगों को डिज़ाइन का नहीं बताऊंगा क्योंकि वो वीडियो में फिर सस्पेंस नहीं रहेगा यार, समझा करो। खैर ये तो आ गया दूसरा प्रोजेक्ट। अब जो तीसरा प्रोजेक्ट था दोस्तों वो है ये 1967 की मर्करी कूगर ट्रांस एम इंस्पायर्ड। ये हम लोगों ने तकरीबन आई थिंक अप्रोक्सीमेटली, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, 4 या 5 साल पहले बनाई थी ये, नहीं सॉरी आई थिंक 3.5 ईयर्स बैक, हाँ 3.5 साल पहले बनाई थी।
तो अब स्टोरेज में पड़े रहने की वजह से इसकी भी हालत ख़राब हुई हुई है। इसे भी टोटल जो है ना वो रेनोवेशन की ज़रूरत है। ये इसकी लाइट्स भी ये देखो बाहर निकली पड़ी हैं। खैर इसे भी बनाएंगे। तो यार आज का व्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा बहुत मेरे पास कंटेंट नहीं था, बल्कि काफ़ी सारा कंटेंट नहीं था। ये तो आपको ऐसे छोटा सा ट्रेलर ही दिखाया कि कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। पहले भी दिखाया था लेकिन यार कुछ मसरूफियात हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि अब इन सारी जितनी भी हमारी रजिस्ट्रेशन की पेंडिंग पड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ भी और ये इंजन भी थॉमस एंड हिज फ्रेंड वाली सीरीज़ के, ये काफ़ी सारे इंजन हैं। आप लोग इधर रुके, इसके अलावा ये एक इंजन है डगलर्स नंबर 10, ये भी स्टोरेज में पड़े रहने की वजह से देखो यार खस्ता हाल हो गया। ये भी इसे भी हम लोगों ने अभी रिस्टोर करना है। इसके अलावा ये 86 क्रोल है, इसे भी रिस्टोर करेंगे, और अभी बाद की बात है यार, पहले इन्हें तो रिस्टोर कर लें। थॉमस एंड हिज फ्रेंड की सीरीज़ के यार तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 4 इंजन है जो हम लोगों को तुमसे ना हो पाएगा को रिस्टोर करने पड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, सब आप लोगों को सबकी रिस्टोरेशन वीडियोस दिखाई जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, गुड बाय। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है।